चित्तौड़गढ़ किला भारत का सबसे बड़ा किला है। बीरच नदी के किनारे बना ये किला 700 से ज़्यादा एकड़ जगह में मौजूद है और इस किले का इतिहास स्वयं महाराजा महाराणा प्रताप सिंह से जुड़े हैं। इसे वाटर फ्रंट भी कहा जाता है। किले में 84 जल सोर्स थे जो 50,000 सैनिकों की 4 साल तक पानी की ज़रूरतों को पूरी करने में सक्षम थे। किले में सबसे खास आकर्षण यह है यहाँ के 2 असिस्टेंट पॉलिशर्स जिन्हें कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ कहा जाता है। ये स्तंभ किले राजपूत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में 4 महल परिसर, 19 मुख्य मंदिर, 4 स्मारक और 22 कार्यात्मक जल निकाय शामिल हैं। इस किले में 7 प्रवेश द्वार हैं, रामपोल, लक्ष्मणपोल, पड्डल पोल, गणेश पोल, जुरला पोल, भैरव पोल और हनुमान पोल। यानी आपको इस किले में अंदर जाने के लिए इन 7 प्रवेश द्वारों से होकर जाना होगा और फिर सूर्य पोल भी पार करना होगा जो मुख्य द्वार है। चलिए दोस्तों, अब हम महाराणा प्रताप के बारे में आपको कुछ ऐसी जानकारी जो आपको सोचने में विवश कर देगी। दोस्तों, हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल जनरल मानसिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था, फिर भी महाराणा प्रताप को भारत के सबसे बड़े नायकों में गिना जाता है और मानसिंह को गद्दार माना जाता है। ऐसा क्यों? आपके ज्ञान की बुद्धि के लिए मैं आपको बता दूँ, महाराणा प्रताप मानसिंह से नहीं हारे थे, वो हल्दी घाटी में भी पराजित नहीं हुए थे, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत गलत ज्ञान किताबों में जोड़ा गया। अब आपके पहले सवाल का जवाब, जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप तो स्वयं मानसिंह को खोज रहे थे ताकि वह इस गद्दार राजपूत भाई को ख़त्म कर सकें, क्योंकि स्वयं का राजपूत होते हुए उस मुग़ल अकबर का साथ दे रहा था और ऊपर से अपने ही राजपूत भाई से युद्ध करने आया।